नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मैंने देखा है जनरली इंडियंस मीठे के शौकीन होते हैं। पिछले 3 साल में हमने इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में बहुत कुछ स्वीट्स में भी टेस्ट किया। उनमें से कुछ यादें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाल ही में हम माता वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद कटरा से पटनी टॉप गए। पटनी टॉप से 8 किलोमीटर पहले हमने खुद का फेमस पतीसा खाया। ये पतीसा बहुत अलग है। ऐसा टेस्ट तो पतीसा में मैंने आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बाय गॉड, कि आप थोड़ी सी बाइट लो और मुंह में ही पिघल जाए। मेरे को कैसा लग रहा है, जैसे हम घरों में बेसन का सीरा बनाते हैं जिसको घी में तैयार करते हैं, तो वैसा वैसा महसूस हो रहा है और बहुत सॉफ्ट। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश में शिमला के बारे में बताता हूँ। शिमला के पास नालधेरा है, वहाँ पर हम एक गाँव में खाना खाने गए। उन्होंने हमें पटीड़ खिलाया, खोबली, मैंने खूब इंजॉय किया। उसके बाद उन्होंने हमें खिलाई मीठी दाल, बहुत ही मधुर टेस्ट। मैं तो ये बोलूँगा आज पूरा लंच खा के ना, इससे पहले जो 2 चीज़ खाई और ये स्वीट डिश खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया। अगर हमने ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ कभी स्वीट डिश में खा ली ना, तो ये अच्छी अच्छी स्वीट डिश को मात दे देगी। इतना रॉयल और रिच टेस्ट है इसका। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश में मीठी दाल कैसे तैयार की जाती है। अब बात करते हैं लखनऊ की। अगर आप लखनऊ जाएंगे तो मीठे में मक्खन मलाई बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आपको इसके लिए विंटर्स में जाना होगा, नवंबर से फरवरी या मार्च के बीच में। वाह 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 भाई साहब, टेस्ट में जान डाल दी है, इलायची का मधुर मधुर स्वाद। वाह 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 भाई साहब, मजा आ गया, वैसे मजा आ गया, बहुत शानदार। मुझे याद है स्कूल के दिनों की बात है, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आया करता था आगरा का क्या फेमस है, जिसका जवाब होता था 2 चीज, ताजमहल और पेठा। अगर आप आगरा गए तो पेठा तो आप मिस नहीं कर सकते। ये ज़्यादा सॉफ्ट है पान पेठे के मुकाबले में। इसके अंदर जो जूस निकल रहा है ना, स्वीट जूस, वो तो गजब का है। अंदर जो फिलिंग की गई है वो काजू पेस्ट है। हालांकि इस तरह की चीज़ मैंने कभी ली नहीं है आज से पहले, तो मेरे लिए एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम टेस्ट है, इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। गुलाब जामुन हिंदुस्तान में जगह जगह मिलता है। जो टेस्ट गुलाब जामुन का हमने जोधपुर राजस्थान में चतुर्भुज रमेश चंद्र में इन्जॉय किया, एकदम रॉकिंग। बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट है। पहली बाइट खाते ही एक बात तो मेरे को बड़ी क्लियर समझ में आ गई, इसके अंदर जो मावा इस्तेमाल हुआ है ना, अति उत्तम है। मीठा बहुत लिमिटेड लेवल पे है, तो कुछ लोग ज़्यादा मीठे को परहेज करते हैं, तो चाशनी में ज़रूर है ऑब्वियसली, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। कंप्लीट कंप्लीट गेम इसके अंदर मावे की है, एक्सीलेंट। ऐसा कैसे हो सकता है मीठे की बात हो रही है और कोलकाता का जिक्र ना हो। अगर आप कोलकाता जाएंगे, वहाँ की स्वीट्स टेस्ट करेंगे, तो आप ये ज़रूर बोलेंगे शायद ऐसा टेस्ट हिंदुस्तान में कहीं और ना मिले। आपको मालूम है मैं कोलकाता विंटर्स में क्यों आया? क्योंकि मैं सौंदेश खाना चाहता था जिसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल हो। ये विंटर्स की ही आइटम है, ये है लिक्विड गुड़ जो अंदर है इसके। चाइना से इसको तैयार किया गया, मैं पहली बार खा रहा हूं। मतलब आप मुंह में डालो और पूरा पिघल जाता है। चाइना इस फॉर्म में और ऐसा टेस्ट दे सकता है, वर्ड्स ही नहीं है इसके टेस्ट को डिफाइन करने के लिए। कितनी हैरानगी होती है ना ये नाम सुनकर। बेक्ड रसगुल्ला, ये गरम करके दिया मुझको। आइस को क्लोज कर लो और इसके टेस्ट में खो जाओ। ओहो,
मेरे को सीरियसली मन हो रहा है, बिना एग्जैजरेशन के, बेक्ड रसगुल्ला, सौंदेश और मैंगो पल्प, मैं कम से कम तीन तीन चार चार खाऊं, मतलब लंच डिनर सब उसके पास यही खाऊं, इतना जबरदस्त है। उफ। जब हम कोलकाता गए तो मैंने रसगुल्ला का टेस्ट भी बहुत एंजॉय किया। रिटर्न में अपनी फैमिली के लिए मैं रसगुल्ला भी लेकर आया और सौंदेश भी लेकर आया। फैमिली मेंबर्स ने भी इसका टेस्ट खूब एंजॉय किया। जब हम उड़ीसा गए वहां पर हमने सालेपुर में भी रसगुल्ला खाया। इस रसगुल्ला का टेस्ट भी बहुत जबरदस्त था। कि जैसे जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं ना, तो हिंदी में ना एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तृप्ति हो गई, तृप्ति तो मतलब सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। तो ये खाने से ना शांत हो गया। हाँ मतलब सही मायने में ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला खा के तृप्ति हो गई, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सिंस उड़ीसा की बात हो रही है तो मैं आपसे बात करता हूँ पुरी की। पुरी जाकर हमने जो छेना पोड़ा का टेस्ट इंजॉय किया, मेरा मन हो रहा है कहीं से मेरे को कोई थोड़ा सा छेना पोड़ा खाने को दे दे, आज भी उसकी यादें तरोताज़ा हैं। आप अगर उड़ीसा जाएंगे, पुरी जाएंगे और छेना पोड़ा नहीं खाया तो समझ लीजिए आपका ट्रिप अधूरा है। क्या छेना की मिठास है, क्या ऊपर वो जला जला टेस्ट आ रहा है, वाह वाह वाह, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। आपने एक बाइट ली और आपको ऐसा है जैसे मुंह में पिघल गया और मिठास एकदम परफेक्ट लेवल पे है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, इस टेस्ट से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, मज़ा आ गया। जब हम हैदराबाद गए तो हमने मीठा भी एक्सपीरियंस किया। मेरे को याद है जब हम उल्वा चारू रेस्टोरेंट गए, एप्रिकॉट डिलाइट टेस्ट किया, वाओ, आज भी यादें तरोताज़ा हैं। एप्रिकॉट, कस्टर्ड, केक, क्रीम, ये चारों चीज़ों का जो कंबाइंड मिक्सचर है ना, ये तो मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त है। सॉफ्टनेस, स्पॉन्जीनेस, मिठास, ऊपर से क्रीम का फ्लेवर, मैजिकल डेजर्ट। हैदराबाद के मैं आपको एक और स्वीट डिश एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, पुथरे कुल्लू। मेरे को नाम आज भी याद है, बड़ा ही मस्त टेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है ये चीज़ हमको आंध्र प्रदेश में और भी ज़्यादा मिलेगी। इससे मेरे को याद आता है मेरे को आंध्र प्रदेश का ट्रिप करना भी बाकी है। ये क्या देसी घी का फ्लेवर तो आ ही रहा है, लेकिन आप इमेजिन करो राइस की थिन लेयर के अंदर गुड़ का होना, मतलब जागरी, और उसके ऊपर देसी घी का फ्लेवर, टू गुड। गोवा के बारे में सोचते ही सबसे पहले ध्यान में आता है सी बीचेस और गोवन फूड, स्वीट्स का जिक्र कहीं नहीं है। हम जब पैंजिम गए वहां पर हमने स्वीट्स टेस्ट भी करी और उसका वीडियो भी बनाया। अभी इसको खाने का क्या प्रोसेस है कि हमें इस लीफ को बाहर निकालना है और ये अंदर की स्टफिंग को खाना है। फर्स्ट इंप्रेशन, हल्दी का फ्लेवर गोज विदाउट सेइंग। सेकंड चीज, जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अंदर की स्टफिंग है, उसके अंदर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो कैश्यू है ना, ये इसका मजा भी है। कोकोनट तो अच्छे से डोमिनेट कर रहा है और उसके साथ इसके अंदर जैगरी भी है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो बड़े अच्छे ढंग से एक बड़ी खूबसूरत रेसिपी बनाई है। और ये इस तरह की रेसिपी गोवंस अपने घर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर गोवा में रेस्टोरेंट्स में हार्ड टू फाइंड। ये बड़ी सिलेक्टिव जगह है जहाँ इस तरह से आपको सर्व करेंगे, जहाँ पर ऑथेंटिक गोवन फूड मिलता है। वी आर लकी कि हमको यहां पर ये खाने का मौका मिला। ये चीज आप जो देख रहे हो, ये शायद आपने कहीं सुना होगा जरूर, इसको बोलते हैं मोयरा बनाना। मोयरा बनाना को सर्व किया आइसक्रीम के साथ। इस तरह से मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बनाना को ऐसा फ्राई करेंगे शैलो और साथ में मैं इस तरह से आइसक्रीम के साथ खाऊंगा। टू गुड, एब्सोल्युटली डिफरेंट, अनइमेजिनेबल टेस्ट और बहुत ही बेहतरीन बनाना। ये डिफरेंट टेस्ट है, ये नॉर्मल बनाना जैसा टेस्ट नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोयरा बनाना। अब देखो ये आपको जो दिख रहा है ना सामने, ये घी है, तो एक तरह से इसमें क्योंकि फ्राई किया है तो थोड़ा घी यहाँ पर विजिबल है।
वैसे तो स्वीट्स में पान को काउंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरा मन हो रहा है मैं आपको बनारसी मीठे पान के बारे में बताऊं जो मैंने बनारस में टेस्ट किया था। कोई वर्ड्स नहीं है इस पान के टेस्ट को बताने के लिए। मैंने अपने जीवन में इस तरह का पान कभी नहीं खाया, इससे छोटी बात नहीं बोलूंगा। क्या वो कत्थे का फ्लेवर है, मीठी सुपारी, वो चटनी जो फ्लेवर देने के लिए डाल रहे हैं, और पान का पत्ता। ये पान खाने के बाद सिर्फ आंखें बंद कर लो और आप 5 मिनट तक सिर्फ महसूस करो कि आप क्या खा रहे हो। अब मैं किचन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ हिमाचल प्रदेश में जो मीठी दाल मिलती है उसको कैसे तैयार किया जाता है। मीठी दाल बनाने के लिए थोड़ा सा मूंगफली दाना को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं जिससे इसका छिलका भी निकल जाए और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। साथ में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने लगभग 15 गिरी बादाम, 15 काजू के दाने और लगभग 20 पिस्ता और थोड़ा सा मैं अखरोट लगभग 10 से 12 गिरी अखरोट की इसमें इस प्रकार से तोड़ के डाल रहा हूँ। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मूंगफली दाना ऑलरेडी ड्राई रोस्ट हो चुका है, उसको इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए ना गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो लगभग 1 कटोरी हमने गुड़ को पीस लिया और लगभग 1/4 कप पानी, 3/4 कप पानी में हमने इसको बॉयल होने को रख दिया। तो 10 से 15 मिनट से भी कम लगेंगे और चाशनी तैयार हो जाएगी। गुड़ की चाशनी बॉयल होते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। पैरेलली मैंने ना दूसरे पैन पर 1 चम्मच घी गर्म होने को रख दिया है। इसमें हम सौंफ का तड़का लगाएंगे। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट की हम 2 से 3 मिनट की घी में रोस्टिंग कर रहे हैं। आपने इसमें जो सौंफ का तड़का देखा है ना, ये पूरी तरह से गेम चेंजर है और टेस्ट को मल्टीपल लेवल पे एनहांस कर देगा। अभी तो चाशनी पतली है, 2 से 3 मिनट और इसको गैस पे रखेंगे। लो जी, ड्राई फ्रूट हमारे तैयार है और चाशनी भी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम चाशनी को इसमें शिफ्ट करेंगे। ये सारी कुकिंग मैं लो फ्लेम पर कर रहा हूं। चाशनी डालने के बाद हमें 5 से 7 मिनट इसको चाशनी में ही रहने देना चाहिए लो फ्लेम पर, जिससे कि जो इसका चाशनी का रस है ना वो ड्राई फ्रूट के अंदर चले जाए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। चाशनी बनाते समय हम थोड़ा ज़्यादा उबाल देते तो ठंडा होने के बाद ये सॉलिड गुड़ बन जाएगा, तो लगेगा हम गुड़ की पट्टी खा रहे हैं। तो हमें ना इसको इस लेवल पे रखना है जिससे कि ठंडा होने के बाद, मतलब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये जमे ना। इसको तैयार हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। हम इसको अपनी कटोरी में डालेंगे और इसको खाएंगे। मीठा आपने देखा काफ़ी ज़्यादा है और ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट है, तो एक आदमी इसका 2 से 3 चम्मच बहुत बढ़िया ढंग से इंजॉय कर सकता है। अब टाइम आ गया मैं इसको टेस्ट करूं और आपको बताऊं स्वाद कैसा है। गुड़ तो है ही है, जो सौंफ का तड़का है ना वो पूरी तरह से इसके अंदर गेम चेंजर है। आप चाहेंगे तो इसको 1 या 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसको सर्व करें हल्का सा कोसा करके सर्व करें। कंसिस्टेंसी आपने देख ली, ये रखिए। जब आपको अपने घर में कुछ मीठा खाने का मन करे 15 से 20 मिनट में आप इसको तैयार करिए और इसका टेस्ट इंजॉय करिए। अगर आप अपने घर में ये रेसिपी से मीठी दाल बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। आप मुझे फेसबुक चैट में बता सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं harish@visa2explore.com। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।